नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घुटनों की प्रॉब्लम आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसके पीछे के कारण क्या है। पहली बात तो ये कि लगातार हम लोग एक जगह पर बैठकर काम करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, तो एक ही जगह पर लगातार बैठे रहने से घुटनों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। दूसरा, हम जंक फूड खाते हैं। आजकल हर आदमी को इतनी जल्दी है कि उसको बना बनाया कच्चा पक्का जैसा मिलता है मिल जाए। वड़ा पाव खिला दो उसको, भजिया पाव खिला दो उसको, आप बर्गर खिला दीजिएगा, नहीं नूडल्स, चाउमीन नूडल्स, ये एक ऐसी बकवास चीजें आई हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ये पेट में जाके जम जाती है, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होती है, जिसके कारण ये आपकी दिक्कत होती है। बे टाइम खाना डाइजेस्ट नहीं होता, जिससे वजन बढ़ता है। वजन बढ़ता है तो आपकी पाचन क्रिया कमजोर होती है, और पाचन क्रिया कमजोर होने की वजह से आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाता है, खाना पचता नहीं है और खाना वैसे ही रहता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सुबह टहलें, किसी भी बहाने से चलें, मार्केट घूम के आए, सामान लेके आए, इधर जाए उधर जाए, गार्डन में जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप गार्डन में नहीं जा पाते तो भी आप घूमने के लिए निकले, किसी भी तरीके से आपकी बॉडी से पसीना आना चाहिए। काम करें आप, मेहनत करेंगे आप, तो आप डेफिनेटली प्रॉपरली और प्रॉपरली फूड खाएं, खाना खाएं प्रॉपरली, जो जिसमें प्रोटीन्स हो, जिसके अंदर फाइबर हो, विटामिन्स हो, वो सारी चीजें आप खाएंगे तो उससे आपके शरीर की अंदर जो जोड़ों की प्रॉब्लम हो रही है उससे आपको फायदा मिलेगा, उससे छुटकारा मिलेगा। आपने भी बहुत अच्छी एक न्यूज पढ़ी होगी, आशीष नेहरा कितने अच्छे, बहुत बढ़िया, देखिए बॉलर है हमारे हिंदुस्तान के, उनको भी प्रॉब्लम घुटनों की है सर्दी के अंदर, दिल्ली के अंदर, वो खुद इस चीज को मतलब बताते हैं कि हमको किस तरीके से प्रॉब्लम होती है। सुबह जब वो उठते हैं तो आधा घंटा उसको इन चीज की दिक्कत रहती है, जब तक वो एडजस्ट नहीं हो पाता। अब उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है कि वो प्रॉपरली जॉइंट फूड या इस तरह के जंक फूड खाते होंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। सर्दी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, घुटनों के लिए सर्दी के अंदर रहना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको चाहिए कि गर्म तेल आप इस्तेमाल करें। गर्म तेल, हम एक तेल बनाते हैं जिसका नाम है रामबाण आयुर्वेदिक तेल, जी हाँ, उस तेल को भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको घुटनों का दर्द, जॉइंट्स पेन, जोड़ों का दर्द सब दूर होता है। और ये आप ये मान के चलिए कि आप लगाएंगे वो है ही दर्द का दुश्मन, सर्दी के अंदर तो मुफीद है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने पूरी बॉडी पर मसाज करके भी उससे आराम पा सकते हैं। तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार भी बनाए रखिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ घंटी जरूर बजाइएगा, हमें लाइक्स कीजिएगा, आपके शेयर और टिप्पणियों का हमें इंतजार रहता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू माय डियर्स, थैंक यू।